सब्सक्राइब करिए मिस्टर जुगाड़ू आर्टिस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष बनर्जी और आप देख रहे हैं मिस्टर जुगाड़ू आर्टिस्ट। और आज हम सीखेंगे कॉलर माइक का स्टैंड बनाना। और दोस्तों ये रहा स्टैंड, और दोस्तों ये स्टैंड उन वेस्ट मटेरियल से बना है जो वेस्ट मटेरियल हमारे घर में इजिली अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है ईट, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है ब्रूम स्टिक और न्यूज़पेपर और पावर ग्लू, और जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं ये है वायर, ये वाला हिस्सा। और दोस्तों इन्हीं वेस्ट मटेरियल से ये कॉलर माइक का स्टैंड बना है। और दोस्तों इसको बनाना काफी इजी है। और दोस्तों इसको सीखने के पहले आप पहले ही देख लीजिए इसका लुक कैसा है पास से, और इसे कैसे यूज करते हैं ये भी सीख लीजिए। और दोस्तों आपने देख लिया इसका कैसा लुक है पास से, और इसे कैसे यूज करते हैं आपने सीख लिया। और दोस्तों कॉलर माइक बनाने का मेरा मेन रीजन ये है कि जो मैंने माइक खरीदा था कॉलर माइक, उसका जो वायर था काफी छोटा था, और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने इस ये वाला स्टैंड बनाया है माइक स्टैंड। उससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम टोटली दूर हो जाएगी। जैसे आपने वीडियो में देख लिया आपको कैसे उसको यूज करना है। और दोस्तों एक और रीजन है, जैसे मैं हूँ अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं पावर ग्लू को यूज करके चीजें बनाता हूँ, तो मुझे हमेशा मूव करना होता है। तो अभी देखिए स्टैंड है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं आसानी से मूव हो सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ तुरंत तुरंत। लेकिन जब आपको माइक आप लगा लेंगे और फोन से अटैच हो जाएगा तब आप कब मूव नहीं कर पाएगा, आपको बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए आप उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस कॉलर माइक स्टैंड का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसको सीखने के पहले आप मुझे कर लीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो, इंस्टाग्राम की लिंक मैं दे रही डिस्क्रिप्शन में। और ज्यादा टाइम न गवाते हुए सीखते हैं कुछ नया। ये वाले माइक का माइक स्टैंड बनाने के लिए चाहिए आपको न्यूज़पेपर, एक ईट, पावर ग्लू। और ऐसे कैसे बनाते हैं तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है, और आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको चाहिए 8 ब्रूम स्टिक, 4 देखिए आपको इस टाइप के ब्रूम स्टिक चाहिए, और 4 आपको देखिए इस टाइप के ब्रूम स्टिक चाहिए। और आपको ये ब्रूम स्टिक कौन से झाड़ू से मिलेंगे, आपको ये ब्रूम स्टिक इस वाले झाड़ू से मिलेंगे, और इसे बोलते हैं फूल झाड़ू। आपको चाहिए वायर, आपको देखिए ये वाला वायर चाहिए, मोटा वायर। आपको चाहिए कलर, और आपको लोहे के दरवाजे में पेंट होने वाला कलर यूज करना है क्योंकि वो वाटरप्रूफ होता है। और देखिए मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ, आप चार ने मन चार ऐसे कलर कर सकते हैं। और आपको बड़ा ब्रश चाहिए। सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर में लगाना है पावर ग्लू, उसके बाद आपको देखिए एक ब्रूम स्टिक लेनी है, उसके बाद आपको ईटे के एकदम सेंटर में ब्रूम स्टिक को रखना है, उसके बाद न्यूज़पेपर कुछ इस तरह से लपेट देनी है।
और आपको न्यूज़पेपर तब तक लपेटनी है जब तक ये ब्रूमस्टिक ईटे से जुड़ ना जाए। और आपको देखिए ब्रूमस्टिक को कुछ इस तरह से होल्ड करके रखना है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, पहले पेस्ट हो जाए उसके बाद आपको छोड़ना है। और जैसे आप देख सकते हैं दो न्यूज़पेपर की लेयर लगाने के बाद ये ब्रूमस्टिक पेस्ट हो गया। और तीसरी लेयर देखिए एक बार और लगा देते हैं तो और मजबूती से ये चिपका रहेगा ईटे से। और ऐसे ही जैसे हम लोग ने एक ब्रूमस्टिक जोड़ा है उसी तरह से और हमें 3 ब्रूमस्टिक जोड़नी है, और आपको एक साथ ही जोड़ना है, सिंगल सिंगल ही जोड़ना है सबको। और दोस्तों देखिए चारों के चारों ब्रूमस्टिक पेस्ट हो चुकी है, और अब हमें न्यूज़पेपर में लगाना है पावर ग्लू। उसके बाद जैसे हम लोग ने इसको पेस्ट किया उसी तरह से और अब हम लोग को न्यूज़पेपर अटैच करके इसको थोड़ा मोटा करना है, और उसके बाद आपको ब्रूमस्टिक को न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर से कुछ इस तरह से ढक देनी है। और ऐसे ही जैसे हम लोग ने देखिए इधर न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर अप्लाई की, वैसे ही आपको ऊपर तक न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर अप्लाई करनी है। न्यूज़पेपर में पावर ग्लू लगा के इसको इतना मोटा करने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और इसको देखिए इतना मोटा करने के बाद आपको थंब से इस तरह से प्रेस भी करना है। उसके बाद मैंने ब्रूमस्टिक को भी पूरी तरह से न्यूज़पेपर से ढक दिया, और देखिए न्यूज़पेपर से ब्रूमस्टिक को ढकने के बाद ब्रूमस्टिक का देखिए कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, और मैंने पूरा जितना ब्रूमस्टिक है सबको ढका है। और अब हमें न्यूज़पेपर में लगाना है पावर ग्लू, उसके बाद हमें न्यूज़पेपर से ईटे को भी ढक देनी है कुछ इस तरह से, और आपको न्यूज़पेपर के लिए इस पूरे साइड में अप्लाई करनी है और इस साइड में अप्लाई करनी है। न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर अप्लाई करके ईटे को ढकने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, और अब ये पूरी तरह से बनकर कम्प्लीट हो चुका है। अब हमें इसको रख देना है साइड में, और अब हमें देखिए 4 ब्रूमस्टिक लेनी है, और उसके बाद आपको लगाना है न्यूज़पेपर में पावर ग्लू और चारों के चारों ब्रूमस्टिक को एक दूसरे से जोड़ देना है कुछ इस तरह से। आपको देखिए न्यूज़पेपर की लेयर इसमें लपेट देनी है ब्रूमस्टिक, और यही प्रोसीजर अप्लाई करके आपको पूरा ब्रूमस्टिक को न्यूज़पेपर की लेयर से ढकनी है। उसके बाद आपको वायर का ये वाला हिस्सा, किनारे वाला हिस्सा लेना है, उसके बाद आपको ब्रूमस्टिक में कुछ इस तरह से पेस्ट कर देनी है वायर को। लगाइए न्यूज़पेपर में पावर ग्लू, उसके बाद इस तरह से न्यूज़पेपर लपेट दीजिए, और आपको न्यूज़पेपर तब तक लपेटना है जब तक ये अच्छे से वायर और ब्रूमस्टिक जुड़ ना जाए। न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर अप्लाई करके देखिए ब्रूमस्टिक को ढकने के बाद, और तो ब्रूमस्टिक और वायर को एक दूसरे से जोड़ने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और अब हमें देखिए ये वायर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको उसको कुछ इस तरह से बेंड करना है, फिर बेंड करने के बाद आपको इस तरह से देखिए एकदम टाइटली आपको प्रेस भी करना है एकदम अच्छे से बेंड हो जाए। उसके बाद आपको इसको न्यूज़पेपर में लगा कर पावर ग्लू इस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ देना है। देखिए आपको लगाना न्यूज़पेपर में पावर ग्लू, और आपको देखिए न्यूज़पेपर की बड़ी लेयर यूज करनी है, उसके बाद आपको इस तरह से न्यूज़पेपर लपेट देना है, और लपेट के देखिए वायर इससे अब अटैच हो गया। देखिए दोस्तों अब ये भी पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग ने वीडियो के शुरू में इसको बना दिया था, और अब हमें इन दोनों को रख देना है 4 दिन धूप में सूखने के लिए। देखिए दोस्तों ये दोनों अब सूख चुके हैं, सूखने के बाद देखिए ईट ब्रूमस्टिक से अच्छे से जुड़ चुकी है, और देखिए ब्रूमस्टिक ईट को उठा ले रही है कुछ इस तरह से, और देखिए ये भी अच्छे से सूख गया है। देखिए वायर और ब्रूमस्टिक अच्छे से जुड़ चुकी है एक दूसरे से, और अब हमें इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ना है। आपको देखिए इसको जोड़ना कैसे है,
और जैसे आप देख सकते हैं मैंने जैसे इसको होल्ड किया हुआ है, वैसे ही आपको एक दूसरे से आपको इन दोनों को जुड़ना है इसी एंगल में। आपको देखिए इसको इस तरह से इससे अटैच करना है और आपको इसको पकड़े रहना है। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर के सिंगल लेयर में लगानी है पावर ग्लू, ये काम मैंने ऑलरेडी कर दिया था। उसके बाद आपको इस तरह से लपेट देना है और आपको न्यूज़पेपर के लिए तब तक लपेटनी जब तक ये अच्छे से एक दूसरे से जुड़ ना जाए। न्यूज़पेपर की लेयर अप्लाई करके इन दोनों को एक दूसरे से अटैच करने के बाद अब हमें इसे रख देना है 2 दिन धूप में सूखने के लिए। देखिए दोस्तों वायर और ब्रूमस्टिक अब मजबूती से जुड़ चुके हैं और देखिए अब मैं इजीली मूव कर पा रहा हूँ। देखिए टूट नहीं रहा है और अब आपको सीखना है कैसे बनाए हुक ये वाला। और चलिए अब सीख लीजिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों अब हमें हुक बनाना है और आपको देखिए न्यूज़पेपर की लेयर लेनी है सिंगल वाली, उसमें लगाना है आपको पावर ग्लू। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से देखिए रोल क्रिएट करना है और देखिए रोल क्रिएट करने के बाद आपको अपने फिंगर में कुछ इस तरह से इसको रखना है रोल को और इस तरह से इसको आकार दे देना है कुछ इस तरह से। और अब आपको इसको कुछ इस तरह से देखिए थोड़ा बेंड भी करना है और देखिए बेंड करने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आएगा। और अब आपको न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर लेनी है, उसको आपको मोटी लेयर में कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह से। और देखिए आपको पतला सा मोटा लेयर ही चाहिए कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको इस साइड में लगाना है पावर ग्लू। उसके बाद आपको इसको इस तरह से इसके अंदर पुट करना है और पुट करने के बाद अब आपको कर देना है इसको पेस्ट। और देखिए इसको पेस्ट करने के बाद आपको उंगलियों से कुछ इस तरह से शेप देना है और यही प्रोसीजर अप्लाई करके आपको और सबको बनाना है। और अब हमें इसको आधा घंटा रखना है सूखने के लिए और जब ये सूख जाएगा उसके बाद आपको कर देना है इसमें कलर। और देखिए दोस्तों पूरी तरह से ब्लैक कलर से इसको कलर करने के बाद अब ये कॉलर माइक स्टैंड पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो चुका है। और दोस्तों आपने वीडियो को शुरू में ही देख लिया था इसका कैसा लुक है पास से। और आपको ये भी मालूम है कि क्या कॉन्सेप्ट को मैंने सोच के इसको मैंने बनाया है और इसको कैसे यूज करना आपको ये भी मालूम है। तो दोस्तों हम लोग ने सीख लिया इसको कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।